सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरिदर्शन विद बिलजीत। आज मैं दिल्ली कनॉट प्लेस चर्च आया हूँ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस चर्च है दिल्ली का, इसलिए मैं इसको कवर करने आया हूँ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ सुबह 6 से 6:30 बजे के करीब जाता हूँ, ताकि आराम से मैं अपना वीडियो को शूट कर सकूँ। और ये सुबह 6:30 बजे का समय हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था, देख ही सकते हैं आप कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है यहाँ से। ये बिल्कुल बंगला साहब के गुरुद्वारे के ठीक सामने ही चर्च है, जो कि बहुत फेमस है। और आपको पता होगा यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। ये बहुत प्रसिद्ध चर्च है दिल्ली का, कनॉट प्लेस का। तो यहाँ से अभी हम अंदर आ गए हैं, ये देख सकते हैं सामने ही मेन प्लेस है। और सीटिंग का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मैंने बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा। और इसको अंदर से डिजाइन बड़ा प्यारा किया हुआ है, बड़ी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। बहुत ही पीसफुल और साइलेंट प्लेस है, आप जरा सी भी वॉइस करेंगे तो पूरे चर्च में गूंजती है। ये है मेन प्लेस, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका चर्च की इमारत ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी मैडेट द्वारा डिजाइन की गई थी, और यह इतावली वास्तुकला पर आधारित है। सफेद स्तंभों का एक मुखट चंदन का समर्थन करता है, और गिरजाघर के प्रवेश द्वारा के बरामद के प्रत्येक तरफ छत के ऊपर उठने वाले गोलाकार मेहराबदार बुर्ज है। इंटीरियर में एक विशाल घुमावदार छत है, पॉलिश पत्थर के फर्श और व्यापक मेहराब है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की गई है, जो कि मेन प्लेस है। मेन प्लेस के ऊपर आप देख ही सकते हैं कितने घुमावदार, एक जो मैंने हिस्ट्री बताई है बड़े खूबसूरत। ये है प्रेयर टू सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर। इनकी पहुंच करके हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और ये देखिए सेंट जोसेफ, और साथ में आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं नीचे। मैंने स्पेशली इसको लिया है ताकि आप हिस्ट्री पढ़ पाएं। और ये आवर लेडी ऑफ वेलकनी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई थी। और ये सेंट क्लेयर है, और ये साथ में आप इसकी वॉच करके हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। और ये देखिए सेंट जूड, इसकी भी आप हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने हर हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करी। और ये है आवर लेडी ऑफ वेलकनी विद साड़ी, साड़ी में दिखाई गई हैं। ये चीज़ें बहुत कम आपको देखने को मिलेगी कहीं पे भी। और ये हमारे जीसस, ये कैसे दिखाए गए हैं देख सकते हैं आप। देखिए ये आवर लेडी ऑफ द रोजरी नोवेना टू सेट। ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी हिस्ट्री है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने इसको कवर करने की कोशिश करी है। ये देखिए कैसे चीजों को दिखाया गया है। ये नोवेना है टू सेट एंथनी विद चाइल्ड। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा वहां पे मैंने, बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप ले लिया। यहाँ पे ये प्रे के टाइम यूज होता है, जब वहाँ पे सामने प्रे की जाती है तो इसको सामने यूज होता है इसका, तो मैंने इसको छोटा सा क्लिप ले लिया इसका। बहुत ही पीसफुल साइलेंट प्लेस है, यहाँ पे आपको जरूर विजिट करना चाहिए, आगे एक बार तो जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत फेमस चर्च है। और जब भी आए, अगर कोशिश करते हैं कहीं दूर से आ रहे तो सुबह सुबह आ जाए तो अच्छा है, आप आराम से विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको भीड़ देखने को थोड़ी मिलेगी। ज़्यादा भीड़ नहीं होती लेकिन थोड़ी भीड़ जरूर मिलेगी, क्योंकि अच्छा खासा फेमस हो गए तो आसपास के लोग बहुत आते हैं इधर। और ये देखिए माँ आवर लेडी ऑफ द रोजरी, बहुत ही पुरानी पिक्चर है ये, यहाँ से ये देख ही सकते हैं कितने पुरानी उसको दिखाया गया। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने पूरे चर्च को कवर करने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है। यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, सो गाइस यहाँ से अभी मैं बाहर आ गया हूँ, मैं फिर मिलूंगा एक नई चर्चा के साथ, नई वीडियो के साथ। दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो, गुड बाय।